हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एल्प्स गुडनेस का नेम प्यूरिफाइंग फेस स्क्रब। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। छोटी सी टाइनी माइनी सी ये डब्बी है, बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। आजकल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन हाँ ये डब्बी बहुत प्यारी छोटी सी ट्रैवल फ्रेंडली काइंड ऑफ है। पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, क्यों नीम यूज़ करना चाहिए है, क्या इस प्रोडक्ट की खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो मेरे चैनल पे आते रहते हैं ब्यूटी फैशन और DIY से रिलेटेड वीडियोस एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो बिल्कुल से आप इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है इस तरीके की कुछ पैकेजिंग मिल जाती है। इस तरीके की प्लास्टिक की छोटी सी हमें डब्बी मिल जाती है। ऊपर पे यहाँ पर पूरी ब्रांडिंग लिखी हुई है, डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें पूरे इसकी MRP और इसकी एक्सपायरी डेट और पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। ये इनका कोड मिल जाता है। अंदर से देखें तो ये इस तरीके से है। एक हमें लिड मिल जाती है जिससे कि प्रोडक्ट स्पिल आउट ना हो। ये कुछ दिखने में इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं यूज़ किया हुआ है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है जो कि बॉदर नहीं करती है। कंसिस्टेंसी इसकी कुछ ऐसी है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें स्क्रब पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी जेंटली ये स्किन को स्क्रब करता है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैं बंद कर दूँ। प्रोडक्ट क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये हमें 29 ग्राम्स का प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। इसकी MRP है 99 रुपीज़। प्राइस वगैरह सब आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये है नीम का प्योरीफाइंग स्क्रब है। गर्मियों के दिनों में नीम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए। स्पेशली जो लोग एक्ने पिंपल जैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट होता है। नीम के बेनिफिट किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नीम अपने आप में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हर कोई अच्छे तरीके से जानता है। ये हमारे स्किन के लिए किस तरीके से अच्छा है, आइडियल होता है। ये हमारे स्किन की डलनेस को दूर करने के लिए, क्लॉक्ड पोर्स की प्रॉब्लम से जो डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रफनेस को ये दूर करता है। बेस्ट पार्ट नीम का है तो ये ऑल स्किन टाइप का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो आपको तो ये ज़रूर से यूज़ करना चाहिए है, क्योंकि एक्ने पिंपल की समस्या सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन वालों को होती है। गर्मियों के दिनों में तो सभी की स्किन ऑयली हो ही जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो स्पेसिफिकली जिनकी ऑयली स्किन है उनको नीम के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए हैं। नीम है क्योंकि इसके अंदर तो ये सारी तरीके की स्किन इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देता है, जितने भी ब्लैक हेड्स हैं उनको भी रिमूव करता है। आपको कैसे इसको यूज़ करना है ये आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसको आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। वेट फेस पर आपको हल्के हाथों से स्क्रब करना है। बहुत तेज़ी से स्क्रब बिल्कुल मत करिएगा वरना वो स्किन को डैमेज कर सकता है, इसीलिए बहुत ही हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना होता है। और उसके बाद में आप जेंटली उसको नॉर्मल वाटर से वॉश आउट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा है ये। आप स्क्रब मैं डेली यूज़ करने के लिए कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर स्क्रब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। बट हाँ, एटलीस्ट वंस अ वीक एंड एट द मोस्ट ट्वाइस अ वीक मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसे यूज़ करना चाहिए है। मैं इसे वंस अ वीक यूज़ करती हूँ एंड स्किन काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छा है ये। और सबसे अच्छी बात कि अगर स्किन की बात करी जाए तो स्किन के लिए ये बेस्ट रहता है। जो डेड स्किन के सेल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है और काफ़ी हद तक दोबारा से उन सेल्स को बिल्टअप करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हर तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ऑसम प्रोडक्ट है, गर्मियों के दिनों में बहुत ही सही है। डब्बी भी बहुत छोटी सी प्यारी सी है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको ओपन करके दिखाया भी कि इसमें ग्रैनुअल्स आराम से पता चल रहे हैं। बहुत ही माइल्ड स्क्रब है, हार्श बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको अपने हाथों से लेकर के रगड़ना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल आपकी स्किन को डैमेज करेगा। हल्के हाथों से आप मसाजिंग करिए, स्क्रब करिए, स्क्रबिंग करिए, बिल्कुल ही आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्द इसके आपके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वेट करना पड़े। सबसे बड़ी बात, जो स्क्रब यूज़ करने के बाद में अक्सर फेस ड्राइनेस भी लगने लगती है, वो इसके साथ में नहीं है। ये नॉन ड्राइंग है, इसमें ड्राइनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी, वो खिंची खिंची से स्किन नहीं लगती है। स्मेल की बात करें तो बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है जो कि ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, तो बॉदर भी नहीं करेगी।
बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट के हिसाब से, मुझे काफ़ी पसंद आया है। आप में से अगर कोई इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे तो ये नीम का प्योरीफाइंग फेस स्क्रब बहुत पसंद आया है। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।